अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। तहसीलदार अरुण शेवाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जामनेर पोलीस स्टेशन येथे रमजान ईद निमित्त शांतता कमिटीची बैठक संपन्न झाली। कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम बांधवांनी आपला पवित्र असा रमजान ईदचा सण आपापल्या घरात राहून शांततेत साजरा करण्याचे आवाहन प्रशासनामार्फत या शांतता कमिटीच्या बैठकीत करण्यात आले। 72 किलोमीटर सफर का इरादा करके अपने शहर की हद से निकल गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के लिए उसको सहूलत दी। तो 4 रकत वाली जो फर्ज नमाज है वो 2 ही रकत पड़ी। ये अल्लाह की जानिब से सहूलत है, रियायत है मुसाफिर आदमी के लिए। अब अगर कोई मुसाफिर आदमी ये सोचे कि मैं 2 के बजाय 4 रकत पढ़ूं तो अल्लाह ने लिखा है कि वो गुनाहगार होगा। गुनाहगार क्यों होगा? इसलिए कि उसने अल्लाह की दी हुई सहूलत का इनकार किया। एक मिसाल। दूसरी मिसाल मैं आपको ये बताता हूँ कि ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, जबकि रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन ईद के दिन रोज़ा रखना हराम क्यों है? इसलिए कि ईद का दिन ये अल्लाह की मेहमानी का दिन, और ईद के दिन रोज़ा रखना गोया के अल्लाह की मेहमानी से इनकार करना है, इसलिए ईद के दिन रोज़ा रखना हराम। अब ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना ये शरीयत है, रोज़ा रखना शरीयत नहीं है। मुसाफिर आदमी के लिए सफ़र की हालत में कसर नमाज पढ़ना ये दीन है, ये शरीयत है। पूरी नमाज पढ़ना शरीयत नहीं है। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माने में भी इस तरीके की बीमारियां फैली। ताउन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ताउन की बीमारी के कारण से हिदायत दी कि क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। तो इसी तरीके से ये कोरोना वायरस जो मर्द पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये एक मोहलिक मर्द है, खतरनाक मर्द है, और अगर बे एहतियाती की जाए तो हम देख रहे हैं कि जहाँ बे एहतियाती हो रही है तो वो जो है अपने आप की जान को जो है ख़त्म कर दे रहे हैं। वो बीमारी से अपने आप को अगर नहीं बचा रहे हैं तो फौरन जो है वो हलाक हो जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी हुकूमत की जानिब से जो बार बार एहतियाती तदाबीर और हमें एहतियात करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें हमारी भलाई है। इसीलिए हम देखें कि हमारे मुल्क के बड़े बड़े उलमा, मौलाना सैयद वली रहमानी, मौलाना सज्जाद नौमानी, दारुल देवबंद, और इसी तरीके से हमारे मुल्क की सबसे मजबूत और मुस्तहकम जमात जमीयत उलमा हिंद और जेवंती उलमाए महाराष्ट्र की जानिब से ईद की नमाज के ताल्लुक से हमें जो हिदायत आई है वो यही है कि जिस तरीके से हुकूमत ने जो है पाबंदियाँ लगाई हैं तो उन्हीं पाबंदियों की रियायत करते हुए हम ईद की नमाज पढ़ें। आप जमीयत उलमा का लेटर पढ़ें, दारुल देवबंद का फतवा जो है उसको पढ़ें, मोबाइल में आया हुआ है कि तमाम मुफ्तियान इकराम और तमाम उलमाए इकराम ने ये बात लिखी है कि जिस तरीके से जुमा की नमाज हम मस्जिद में 4-5 तक पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से ईद की नमाज भी पढ़ें और बाकी लोग भी अपने घरों में बैठकर नमाज अदा करें। ये सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि हमारे उलमा के भी यही पैगाम है हमारे इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए। रमजान का महीने का पालन कर रहे हैं, उस सिलसिले में प्रशासन की तरफ से आने वाली ईद कैसी सादरी करना चाहिए, इसके अंदर गवर्नमेंट के क्या आदेश है, उस सिलसिले में ये बैठक आयोजित की है। इस बैठक में अपने तालुके के तहसीलदार साहब ये अध्यक्ष हैं,
अगर उनको नगर अध्यक्ष साहब है, आप सब नगर सेवक है, प्रतिष्ठित नागरिक है, मौलाना साहब है, पत्रकार मंडली है, ये सब इसके अंदर शामिल हुए हैं। मैं प्रशासन की तरफ से आप सब लोगों का सही दिल से स्वागत करता हूँ। और अभी तक जामनेर शहर में आप सब लोगों ने जो प्रशासन को पहले से जो मदद की है, जो सहकारी किया है, उसी की वजह से आज अपन सुरक्षित है। ऐसा लग रहा था जब शुरुआत में लोग भी बोलते थे, जब चौक में जाता था अभी आने वाला है, अभी आएगा, अभी इतने लोग आए, सूरत से आए, बॉम्बे से आए, पुणे से आए, राजपुत्र से आ रहे, इधर से आ रहे, तो ऐसा डर का माहौल था। मगर इस पवित्र रमजान महीने में सब लोगों ने दुआ की, उसी की वजह से अपना शहर, अपना एरिया, अपना मोहल्ला सब सुरक्षित है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह अभी तक सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित रहेंगे, उसमें कोई 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 बात नहीं है, बोला आगे भी सुरक्षित रहेंगे। तो अभी जो रमजान ईद आने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके अंदर आइए मौलाना साहब, आइए 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 आगे आइए आगे आइए। जो अपनी सुरक्षा के लिए अभी तक आपने जो नियम का पालन किया है, वही नियम का पालन आगे करना है। इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट के रूल है वो आपको बताना है, आपके माध्यम से सब जगहों पर वो नियम पता चल जाएगा और उसकी अमल बजावी हो जाएगी। पहला जो है नियम ऐसा बताया है कि जो नमाज अदा करनी है वो अपने घर में, अपने ही घर में नमाज अदा करनी है, कोई बाहर निकलेगा नहीं, कोई शादी खाना हो, मस्जिद में हो, या सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने के लिए कोई इकट्ठा नहीं आए, अपने ही घर में अपने रिश्तेदार उनके साथ में अपन नमाज अदा करके जो दुआ कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अभी तक जो अपने बरकरार रखी है, जो नियम सब लोगों ने पालन किया है, उसी की वजह से आप सुरक्षित शांति से है। तो आगे अभी वही रहेगा, संकट गया नहीं, अभी संकट कोरोना का संकट गया नहीं। आप देख रहे हैं टीवी पर, देख रहे हैं पेपर, देख रहे हैं अपन तो सब रेड जोन में अपने जलवा जिला रोज इसके अंदर बोल रहे हैं। अपने यहाँ के भी लोग क्वारंटाइन किया है जो संशित है, अपने जामनेर के भी लोग प्लस करें कि संशित क्वारंटाइन किया है, उनका भी रिपोर्ट आने का बाकी है। ये जो नियम बना है आपके जामनेर के लिए नहीं, आखिर ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जो उनसे ऊपर से डायरेक्शन आए वो डायरेक्शन के आपसे आप सब कर रहे हैं, चल रहे हैं। तभी अभी ये मौसम में, अभी ये माहौल में पंढरपुर में बड़ी बड़ी यात्रा जाती थी, मुक्ताई नगर की यात्रा है, सब लोगों के सब वही चल रहा है। मगर वो भी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ध्यान रखी है कि कोई भी वारी बोलते वारी घर से निकलेंगे नहीं, वारी पंढरपुर जाएंगे नहीं, तो जाना है तो वही के वही उनकी जगह पर ही कर दी है। वो तो लाखों से लोग निकलते हैं, ये सबके लिए है, ये कोई अकेले कोई किसी के लिए नहीं, सबके लिए है, सब मानव जाति के लिए है। कोई भी उसके अंदर एक जगह पर ज़्यादा लोग जमा नहीं होना चाहिए, वो कोरोना का प्रसार नहीं होना चाहिए, यही सबकी सुरक्षा के लिए ये सब नियम बनाए हैं। और जो ये होने के बाद में भी अगर कोई 124 तो चलता रहेगा, वो कब तक चलेगा उसका कोई अभी नहीं बता पाएंगे, कब तक चलते रहेगा वो चलता रहेगा। तो सब लोगों ने अभी तक जैसा प्रशासन को सहकार्य किया है, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सहकार्य कीजिए, उसकी वजह से आप सुरक्षित रहेंगे, अपना गांव सुरक्षित रहेगा। और आने वाले जो ईद है, रमजान ईद है, एडवांस में हम प्रशासन की तरफ से आपको रमजान ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करता हूँ, आप एक महीने से जो ऐसे भूख वाले परिस्थिति में मुझे रखे हैं, वो अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो जाए। और जो महामारी का संकट है, सब मानव जाति के ऊपर महामारी का संकट है, वो संकट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, और पुराने दिन पहले से जो दिन थे वो दिन आ जाए,
ये भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए और मैं प्रशासन की तरफ से और एक बार आपको रमजान ईद की अरबाज की मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की जो समस्या होगी वो आप सुनेंगे और उसके तरफ से जो कुछ नियम है, जो कुछ गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, वो हिसाब से अपन अभी तक चलते फॉलो कर रहे हैं, आगे भी करते हैं। धन्यवाद। आज जो शांतता लिमिटेड की बैठक यहाँ पे आयोजित की है, सभी उपस्थित माननीय मनोहर साहब नगर सेवक जय साहब नगर अध्यक्ष मेरे जामनेर वासी, एक महीने से रमजान पवित्र सन यहाँ पे चालू है। मैं प्रशासन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने और सामने प्रशासन ने जो भी आपको आदेश दिए थे उनका कठोर पालन आपने किया है, इसलिए मैं खुद और प्रशासन की तरफ से आपको रमजान ईद के लिए शुभकामना देता हूँ। दूसरा जो बात था कि कुछ कुछ कलेक्टर साहब का जो ऑर्डर थे वहाँ पे आपने जामनेर में जैसे आपको विजिबल हुआ वैसे आपने किया था, उसको भी आपने बहुत सारा सपोर्ट किया। अभी 25 तारीख को रमजान है, उसमें अभी पीएम साहब ने जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है वो सब बताया, उसका सब फॉलो करेंगे और प्रशासन की ओर सहकार्य करेंगे, ये अपेक्षा रखती है मेरी बात। मैं अपनी जानिब से पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।